मंडल भाजपा नवनिर्वाचित युवा मोर्चा अध्यक्ष सचिन रमेश भोईर ने टीवा के तालाब की सफाई को लेकर थाने महानगर पालिका के आयुक्त को दिया ज्ञापन। हम आपको बताते चले कि थाना महानगर पालिका के उदासीन रवैये के बदौलत दीवा के तालाबों की सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई, जिसके चलते गणेश भक्तों में काफी आक्रोश भरा हुआ है। इस वर्ष दिनांक 13 सितंबर को विघ्नहर्ता श्री गणेश का आगमन चतुर्थी के दिन से गणेश भक्तों के घरों में और बड़े बड़े पूजा पंडालों में हो गया है। अब तक डेढ़ दिन की गणेश प्रतिमा और 5 दिन के बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन हुआ है और अभी 7वें और 10वें दिन का विसर्जन होना है, मगर दीवा के तालाबों की सफाई में निष्क्रिय रहे थाने महानगर पालिका के खिलाफ स्थानीय नागरिकों और गणेश भक्तों में काफी मायूसी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय नेता सचिन भोईर ने कमिश्नर को ज्ञापन देने के साथ साथ एक वीडियो भी वायरल करके बाकायदा विरोध जताया है। आज अपन पाहू शकता दिवापूर्व परिसरातील हे तलाव, ह्या तलाव तुम्ही पाहू शकता पूर्ण घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे। ह्या तलावामध्ये अनेक बिल्डिंगींचं सांडपाणी सोडलेलं आहे। ह्या तलावामध्ये पिढ्यानपिढ्या गणपतीचं विसर्जन होत होतं, पण आता गेली अनेक वर्ष या तलावामध्ये कोणी गणपती विसर्जन करत नाही आहे। याला कारणीभूत दिव्यातील आजी माझे नगरसेवक आहेत आणि आत्ताचे जे सेनेचे जे 8 नगरसेवक आहेत त्यांनी वचननाम्यामध्ये लिहिलं होतं की आम्ही तलावाचं सुशोभीकरण करणार। तर मला असं वाटतं की हे 8 कार्यसम्राट नगरसेवक ते विसरलेले दिसत आहेत। या तलावाकडे एकाही लोकप्रतिनिधीचं लक्ष नाही आहे आणि तसेच ठाणे महानगरपालिका प्रदूषण नियंत्रित अधिकारी मनीषा प्रधान मॅडम यांचंही या तलावाकडे लक्ष नाही आहे। तर माझी ठाणे महापालिकेच्या आयुक्तांना इतकीच विनंती असेल की साहेब, तुम्ही ज्या प्रकारे ठाण्यामध्ये कृत्रिम तलावांचं नियोजन करून दिलं त्याप्रकारे आमच्या दिवामध्येही ते नियोजन करून द्या। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र पांडे, सीएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बताते हैं, हम दिन प्रतिदिन किसी ऐसे शख्सियत से हम भेंट मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने समाज में पदार्पण किया हो या समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं इसमें दिवासील मंडल के युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सचिन भोईर जी, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि गणपति जी का त्यौहार चल रहा है। आखिर इनके यहाँ बड़े पैमाने पर जो मनाया जाता है, कितने वर्षों से मनाया जाता है, और इस पूजा के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहेंगे, आइए हम उनसे सीधा जानकारी लेना चाहते हैं। सबसे पहले सचिन जी, आपका सीएन न्यूज में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को आपके चैनल को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सचिन रमेश भोईर है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। पहले मैं भाजपा में युवाशील मंडल का सचिव पद पर कार्यरत था। अभी पार्टी ने मेरा कार्य देख के मुझे युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष का पद सौंपा है और आगे से मैं जो पार्टी ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है तो मैं वो जिम्मेदारी निश्चित अपने बलबूते पे पूरी करूंगा और पार्टी के हित के लिए काम करूंगा। अच्छा सर, ये बताइए, अभी आपने एक मैं देखा आपका एक मुद्दा आपने उठाया कि गणेश विसर्जन करने के लिए जो लोग जाते हैं तालाबों में जाते हैं तो वहाँ गंदगी देखी जाती है, तो ये मुद्दा जो है आपका, इस समय त्यौहार चल रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैंने अपने खुद के लिए नहीं किया है, ये तो मैंने पूरे जनता के लिए दीवावासियों के लिए किया है। और अभी जो सेना के जो 8 नगर सेवक है उनके घर में भी बाप्पा का आगमन हुआ है, तो कभी कभी मुझे हंसने को होता है कि जनता की छोड़ो, हमारी छोड़ो, आप खुद के बाप्पा का विसर्जन कहाँ करोगे? खुद के बाप्पा को क्या आप ये जो बिल्डिंग का जो सांड पानी जाता है उसमें विसर्जन करोगे? कभी कभी हम तो नए कार्यकर्ता है, हमने तो अभी ABCD से शुरुआत की है, हमें जेड तक पहुँचना है, लेकिन ये तो कोई बचपन से ही राजनीति में है, कोई दीवा का उपमहापौर है, कोई प्रभाग समिति अध्यक्ष है, इनके घरों में भी गणपति है, तो ये मुझे हंसने उनके ऊपर हंसी आती है कि बापा का विसर्जन कहाँ करेंगे। निश्चय ही ये एक बड़ा मुद्दा है कि वास्तव में देखा जाए तो जो तालाब के कचड़े इस समय जमे हुए हैं, आखिर महानगर पालिका की कमी है या किसकी कमी है? कमी कहीं न कहीं देखी जा रही है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो इन्होंने मुद्दा इस समय, धार्मिक मुद्दा जो इस समय बनाया हुआ है, वो बिल्कुल कहीं न कहीं सही और वास्तव में हर किसी के यहाँ गणपत बप्पा बैठाए जाते हैं और विसर्जन जो होता है उनको ले जाकर के जिस तालाब में किया जाता है, वो तालाब वास्तव में अगर हम आपको दिखाएं तो वो तालाब ऐसा
समय पे ऐसे दुर्दशा उसकी बिगड़ी हुई है, देखने योग्य है। उसकी कमी का आखिर जिम्मेदार कौन है, थाने महानगर पालिका है या यहाँ के स्थानीय राजनेता है? सर, हमको एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतना बड़ा जो है जो दावेदारी दिया, युवा मोर्चा का रीवा सिंह मंडल का अध्यक्ष बनाया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो है पार्टी को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी स्टंटबाजी नहीं करती है, वो असल में जनता के लिए काम करती है। माननीय जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपने देखा होगा अभी उनके निधन के बाद पूरा देश रोया है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए। मैं बचपन से जब स्कूल में जाता था तो मैं उनको आदर्श मानता हूँ, और कभी ऐसा राजनीति में आऊँगा ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ की जनता की हालत देख के मुझे उतरना पड़ा, और निश्चित पार्टी के हित के लिए मुझे काम करना है, और मुझे जो पक्ष सही लगा मैं उसी में उतरा हूँ। हर कोई ये सोचता है चलिए ये पार्टी स्ट्रांग है, मजबूत है, जबकि यहाँ के महापौर, उप महापौर, आमदार, खासदार सभी पार्टी इस समय शिवसेना के, फिर शिवसेना में जाने का आपका विचार नहीं है? नहीं, शिवसेना हो या दूसरा कोई पार्टी हो, हम लोग बचपन से देखते आए, उन्होंने खाली स्टंटबाजी की है। 20 सालों से ऊपर भी शिवसेना की सत्ता दीवा में है, लेकिन आज आप खुद ही देखो कि दीवा की हालत क्या है। दीवा में ना रोड थे, ना लाइट थे, ना पानी थे, पानी की हालत भी बहुत ख़राब है लोगों की अभी तक भी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ही कर सकती है दीवा में विकास, तो इसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो जो भी गणपत बप्पा को बैठाए हुए हैं, तो क्या आप विशेष क्या संदेश देना चाहेंगे गणपति बप्पा के माध्यम से? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि बप्पा को बोलूँगा कि जो हमारे जो अभी के जो लोक प्रतिनिधि है, बप्पा उनको सद्बुद्धि दे और दीवा का विकास करने के लिए लगाए। जी हाँ, ये थे सचिन भोयर जी, जिनको अभी भारतीय जनता पार्टी का दीवाशील मंडल का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। हम ये कहेंगे उड़ेंगे परिंदे आसमान पे, ये इनके पर बोलते हैं, शायद जिंदगी में बहुत बड़े आगे जाएंगे सचिन भोयर साहब, ये इनके हुनर बोलते हैं, ये इनके हुनर बोलते हैं। हमको दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे फिर। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।